Hi guys, it's me Delhite, Parul. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Top 5 Korean web series on Prime. Well, हर कोई जानता है कि Amazon Prime में movies, series, documentaries and especially TV shows का collection काफी ज़्यादा है. Well, मैं आपको बता दूँ, recently ही जो Amazon Prime के members हैं, viewers हैं, उनको पता चला है कि Prime videos पे काफी सारा K-drama की web series आई हैं, जिसमें से कुछ investigation पे based है, कुछ romance पे, कुछ family conflicts पे, कुछ supernatural things पे. तो अगर आपको K-dramas पसंद है, तो ये मैं आज आपको 5 web सीरीज बताऊंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आएंगी. क्योंकि जो के ड्रामास है मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट हैं और आई एम श्योर कि काफी सारे इंडियन व्यूअर्स के ड्रामा पसंद करते हैं. तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ बेस्ट 5 के ड्रामास ऑन अमेजोन प्राइम. तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो पहला के ड्रामा जो कि आप देख सकते हैं अमेजोन प्राइम पे है, वो है गोब्लिन. ये 2016 में रिलीज हुआ था एंड गोब्लिन एक रोमांटिक ड्रामा है. गोब्लिन की जो कहानी है वो सुपर नेचुरल थीम पे बेस्ड है. वेली जो शो है ना वो किम शिन के बारे में है, जो कि गोब्लिन है, हु वॉज वन ऑफ द बेस्ट जनरल्स ड्यूरिंग गायरो डायनेस्टी. लेकिन वहां का जो राजा होता है ना वो एक्चुअली में उसे धोखा देता है और धोखे से उसे मार देता है. तो किम एक्चुअली में फिर वो भूत बन जाते हैं और उसके बाद भगवान के उनके लिए क्या प्लान्स होते हैं वो दिखाया गया है पूरी की पूरी सीरीज में. अगर मैं सबको मिला दूं तो पूरी की पूरी वेब सीरीज बहुत ही स्वीट है, अच्छी है, आपको जरूर देखनी चाहिए, आपको पसंद आएगी. वेल, अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा के ड्रामा है जो आपने अमेजोन प्राइम पे देख लिया है, मैंने नहीं देखा है, तो आप मुझे वो के ड्रामा भी सजेस्ट कर सकते हैं. मैं ट्राई करूंगी कि वो के ड्रामा जरूर देखूं. फ्रेंड्स, सेकेंड वेब सीरीज जो मेरी लिस्ट में है उसका नाम है वेम्पायर प्रोसिक्यूटर. हम सभी जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग वेम्पायर थीम वाले शोज को पसंद करते हैं एंड काफी सारे वेम्पायर थीम वाले शोज एंड मूवीज मतलब अमेजोन पे भी अवेलेबल है. तो जो लोग वेम्पायर थीम वाले शोज को पसंद करते हैं, फिल्मों को पसंद करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी वेब सीरीज है. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर कोरियन ड्रामा विद एन अंडरलाइन वेम्पायर थीम, देन लुक नो मोर. वेम्पायर प्रोसिक्यूटर इज वन ऑफ द बेस्ट कोरियन वेम्पायर सीरीज आउट देयर, वन शुड मस्ट वॉच. एक्चुअली जो इसकी स्टोरी है बहुत ही ज्यादा स्वीट है. वेल, थोड़ा सा आपको मजा भी आने वाला है पूरी वेब सीरीज देखने में, क्योंकि बहुत ही अच्छी सी वेब सीरीज है. ताई जो है वो एक प्रोसिक्यूटर के रूप में काम करता है, उसे किसी ने एक्चुअली में काट लिया होता है और मतलब किसी वेम्पायर ने काट लिया होता है. तो वो अपने अंदर कुछ चेंजेस फील करता है और जिससे पहले कि वह उसे जाने कि वो एक पिशाच यानी कि वेम्पायर बन चुका है, वो अपने नेकी के रास्ते से नहीं हटता जानने के बाद भी. तो ये जो पूरी वेब सीरीज है ना बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट की गई है. अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी. सो थर्ड वेब सीरीज जो मेरी लिस्ट में है उसका नाम है द बेस्ट हिट. अगर आपको हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी देखना चाहते हैं, द बेस्ट हिट आप लोगों के लिए परफेक्ट है. इसमें एक्चुअली टाइम ट्रैवल दिखाया गया है. वेल, अगर आपको टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ भी वेब सीरीज अच्छी लगती है तो ये वेब सीरीज आप लोगों के लिए परफेक्ट होने वाली है. वेल, जो कहानी है वो ली हुन जिन की है एक्चुअली और उसकी एक फ्रेंड की. जो ली जी हुन है उसको एक्चुअली में गाना सुनना, गाना लिखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, उसका एक तरीके से पैशन है. सिंगर बनने का उसे एक सपना है. चोइस का दोस्त होता है. वेल, दोनों दोस्त मिलकर सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं. तो क्या फ्रेंड्स उसका जो सपना है वो साकार हो पाएगा, क्या वो अपने सपने को जी पाएगा. क्यूट सी वेब सीरीज है, अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए अमेज़न प्राइम पे देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी. फोर्थ वेब सीरीज जो मेरी लिस्ट में उसका नाम है लाई टू मी. वेल, इसमें एक फीमेल प्रोटैगोनिस्ट है जिसका नाम है कॉन्ग हा जुन एंड वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करती है और गवर्नमेंट एग्जाम पास करती है एक अच्छी जॉब के लिए. तो उसके उसे जो जॉब है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में मिल जाती है एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव. तो वो अपनी जॉब में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और बहुत ही अच्छे से अपनी जॉब को परफॉर्म करती है. तो पूरी जो कहानी है बहुत ही स्मूदिंग सी कहानी है. अगर आपने ये नहीं देखी है, वेल, मैं कहानी आपको पूरी नहीं बताने वाली हूँ, उसके लिए आपको पूरी वेब सीरीज देखनी पड़ेगी. और लास्ट वेब सीरीज जो मेरे लिस्ट में है उसका नाम है ट्रू ब्यूटी. वेल, ये भी अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है.
सो ट्रू ब्यूटी की जो स्टोरी है फ्रेंड्स, उसमें तीन फ्रेंड्स हैं और एक लड़की है, जिसमें दिखाया गया है कि जो आंतरिक सुंदरता और बाहर की जो सुंदरता है वो इस वर्ल्ड के लिए कितना मैटर करती है। तो उस लड़की को अपनी एक्चुअली में जो उसकी ब्यूटी होती है, इंटरनल ब्यूटी को कोई एक्चुअली में नहीं देखता, एक्सटर्नल ब्यूटी को सब प्रेज करते हैं। तो पूरी की पूरी जो कहानी है वो उसी के ऊपर है कि जो एक्चुअली में उसको कुछ पिंपल्स होते हैं, फेस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उसके जो स्कूल्स हैं और उसके नेबर्स एंड काफ़ी सारे लोग जो उससे जुड़े हुए होते हैं, वो कैसे उसको टारगेट करते हैं और वो कैसे अपने आप में चेंजेस लाती है, क्या वो सोसाइटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्या उसके जो फ्रेंड्स हैं उसको हेल्प कर पाएंगे उस चीज़ में या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए पूरी वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो ये थी मेरी 5 सजेशन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब योर चैनल, और यहाँ पे बेल आइकन आ रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, उससे मेरी नई वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। वेल अगर आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, बाय द सेम नेम दिल्ली हाई पावर। वहां पे भी ज्यादा एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे। अब मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।